Shall we begin? जैसे जॉब पाने के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा, फोन पे बात करने के लिए नंबर डायल करना पड़ेगा, फ्रेश दिखने के लिए नहाना पड़ेगा, ठंडा है रे, मूवी देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एग्जाम्स में पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बॉडी के लिए जिम जाना पड़ेगा, और गन्ने के जूस के लिए मशीन में गन्ना तो डालना ही पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह कुछ आउटपुट के लिए प्रोग्रामिंग में कुछ इनपुट भी कराना पड़ेगा। अब लास्ट वीडियो में हमने अमाउंट को इनपुट किया था ऐसे, और फिर आउटपुट आया था ऐसा। Then we saw that we changed the amount and recalculated the interest this way when we wanted the principal amount to be different. But how inconvenient, yaar. For every change in amount, that is input, if we have to make changes in the program itself, phir programming ka kya fayda, yaar? Well guys, there's a smart way to do it, जहाँ हमसे computer input मांगेगा और फिर उसे process करके output दे देगा। तो चलिए आज detail में करते हैं कि computer actually ये सब कैसे करता है और वो smart तरीका क्या है। Before we start with our program, let's understand a basic concept about what memory is and how it operates. जैसा कि आप जानते हैं, bits होते हैं binary digits, मतलब 0 and 1, और ऐसे 8 bits के group को कहते हैं 1 byte और 1 octet in most standard systems. 1 GB of data storage is equivalent roughly to 1 billion such bytes or 2 raised to power 30 bytes. Anyway, इंटीजर नंबर 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इन टर्म्स ऑफ 4 बाइट्स इन अ 32 बिट सीपीयू सिस्टम, एंड एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होता है ऐसे बिट्स की फॉर्म में विच इज 4 × 8 32 बिट्स। सेम वे 10 इज स्टोर्ड इन मेमोरी लाइक दिस। प्लीज नोट दैट मेमोरी मीन्स अ लोकेशन इन हार्डवेयर चिप। अब किसी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली यू वुड नीड एन एड्रेस। ऑल दीज बिट्स हैव मेमोरी लोकेशन एड्रेसेस। सो नंबर 1 माइट बी स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 123 टू 126 व्हिच इज 4 बाइट्स, एंड नंबर 10 इन लोकेशन 287 टू 290 और मे बी 310 टू 313। नाउ लेट्स रिलेट दिस बेसिक इंफॉर्मेशन विद आवर प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट वीडियो। In this, when we define the variable amount as integer type, we are asking the computer to allocate 4 bytes of memory for it. Let's say it allocates this memory address. Next, we are putting the value of 10,000 in this variable, which is stored like this in the already reserved storage space. This means whenever in the program the amount variable is called upon, like this here in the formula, the computer immediately goes to this address and fetches the value of 10,000 stored there. Now, please note that when later in the program we change the value of amount, what we actually did was that we now asked the computer to store the integer 20,000 in the same location. In other words, 20,000 overrides the previous value of 10,000 because the memory address remains the same for the same identifier, which is amount. सिमिलरली फ्लोट टाइप वेरिएबल इंटरेस्ट को भी एक 4 बाइट मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाती है, से हियर एट 436 एड्रेस, बट रिमेन्स एम्प्टी टिल दिस पॉइंट इन दिस प्रोग्राम। आफ्टर द कंप्यूटर परफॉर्म्स दिस कैलकुलेशन, द रिजल्ट वैल्यू गेट स्टोर्ड एट दिस लोकेशन। आफ्टर दिस कैलकुलेशन अगेन द न्यू रिजल्ट वैल्यू ओवरराइड्स द प्रीवियस वैल्यू इन द सेम लोकेशन। ठीक है ना। Similarly, float type entity rate is also allocated 4 bytes and stores this value of 7.5 in it when we declare in this statement. But very importantly, when we write the keyword const before the data type here, the computer writes this declared value of 7.5 in the allocated location and locks it. That means this memory location cannot be overwritten now in this program. This is what constant means. Once declared, it cannot be changed. कैरेक्टर डेटा टाइप का आइडेंटिफायर अकाउंट टाइप भी एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, पर जिसकी लेंथ है 1 बाइट। अब आपको क्या बताएं, ये मेमोरी चीज ही ऐसी है कि सबको चाहिए। जब डेटा मेमोरी ले रहा है तो फंक्शंस कैसे पीछे रह जाएंगे भला। इनफैक्ट सबसे पहले तो लाइन में खड़ा रहता है मेन फंक्शन, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत ही इसी से होती है। हम जहां कार्य होते हैं
लाइन वहीं से शुरू होती है। फटाफट से अपने लिए ब्लॉक कर लेता है एक पूरे मोहल्ले को, मतलब वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टोरेज स्पेस, एंड देन कीप्स ऑन एलोकेटिंग मेमोरी स्पेसेस टू वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर्स एज द प्रोग्राम प्रोग्रेसेस वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। हमारे प्रोग्राम में प्रिंटर फंक्शन भी है, वो कहाँ छोड़ने वाला है जब मेमोरी बट रही है। It also reserves a block of memory for itself. In this block, it allocates memory spaces to the identifiers written after string in double quotes and separated by commas. It does so according to the data type of these identifiers. Since these have already been assigned some value in main function, the printf function merely copies these values. In our example, it means that since main has allocated the memory to amount, rate, account type and interest, and they carry the values 10,000, 7.5, S and 9,000 respectively, the same values are copied in the memory allocated by our dearest printf function. Now, while executing the printf function statement, when the computer comes across the format specifier or placeholders, percent data type, it fetches the value stored in the location of the identifier written correspondingly in the statement and inserts in the string being printed or displayed. अब हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी इनपुट के बारे में, और हमने ये भी देखा कि हाउ इनकन्वीनियंट है अमाउंट जैसे वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करना, बार बार प्रोग्राम कोड में चेंज करना पड़ता है। तो आइए देखें व्हाट विल बी द स्मार्ट वे टू डू दिस। फॉर दिस वी कॉल अपॉन अनदर फंक्शन स्कैनएफ, और वो ऐसे लिखा जाता है लाइक प्रिंटएफ, दिस इज ऑल्सो प्री डिफाइंड इन लाइब्रेरी फाइल stdio.h। स्कैनएफ डज व्हाट इट्स नेम सजेस्ट, इट स्कैन्स और मोर प्रिसाइजली फेचेस द वैल्यू एंटर्ड बाय यू ऑन द कंसोल थ्रू एन इनपुट डिवाइस यूजुअली कीबोर्ड। The format specifier or placeholder here tells it to get the data according to the specified data type. The second argument here has ampersand sign attached just before the variable name whose value is being asked to be input by you. What it does, I will explain in a moment. For now, let's get back to our memory location figure. अब main और printf function को memory मिल गई, तो भाई ये scanf function कौन सा पीछे रहने वाला है? It also claims a block of memory for its use. In this storage, space will be reserved to store the address of the variable amount, and this job is done by ampersand sign. In other words, ampersand amount is the address of the variable amount and not its value. So, the input value of 10,000 that you will enter when required on the console will be fetched by scanf function and directed to be stored in the location of declared variable amount in main. Let's now see how the program runs. You see, the program will wait for us to input the value before proceeding for the next statement. Let's put 30,000 and enter. Now it executes the rest of the program and gives us this output. चलो आओ कुछ चेंजेस करके देखते हैं। Let's say I try to change the constant by asking user to input through scanf function. No, it won't work because constants cannot be changed once declared. So, I will make rate also as a variable and get this also as input. This is not a drill. See, it waits first for me to input the amount and then it waits for the rate in float type and here's the output. अब क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, सो आई नो व्हाट इज इनपुट व्हेन द कंप्यूटर वेट्स, बट इफ समवन एल्स ऑपरेट्स हाउ विल दे नो? द बेस्ट वे इज टू इंट्रोड्यूस प्रिंटएफ फंक्शंस हियर एंड हियर। चलिए देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। सी, इट इज आस्किंग क्लियरली व्हाट टू इनपुट एंड अगेन, प्रिटी नीट ना? Great. So guys, today we saw the working of printf and scanf functions and the way the memory is reserved or put to use. Hopefully, aaj ka content samajh aaya hoga. In case of any doubts, please do write in the comment section below. Give the video a thumbs up and share among your student friends. Subscribe and press the bell icon for latest videos. Bye-bye.